हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास जो है ना, आज का जो पहला प्रश्न है वो आज हम लोग वैसे देखेंगे जो खनिज के संसाधन के बारे में, कौन सा खनिज कौन से राज्य में कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, और उसके साथ साथ वो खनिज जो है ना किस धातु का, मतलब कौन से खनिज कौन से धातु से बना होता है, और कौन से जो है ना आपको अयस्क कौन से धातु से बना होता है। तो मतलब कौन सा खनिज कौन सा अयस्क किस धातु का होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। हमारे पास जो आज का पहला प्रश्न है उसमें हम लोग कुछ कुछ जो है ना क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है ना, जो हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री को देखा था, जिसमें हम लोगों ने पशुपालन को देखा था, उसको भी जो है ना एक दो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, गाय की जो नस्ल जो अधिक दूध देती है वो कौन सी है। तो गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल है। साहिवाल जो गाय है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। साहिवाल जो गाय की नस्ल है वो आपको सबसे ज्यादा दूध देती है। ये हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। सबसे पहले जो है ना इसका उत्तर क्या होगा, दूध उत्पादन। ठीक है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है आपको दूध उत्पादन को। ये दूध उत्पादक जो आपको श्वेत क्रांति थे, वो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो हमने इसको बताया था वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन आपको जो है वो श्वेत क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो श्वेत क्रांति जो है ना आपको दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, वर्गीज कुरियन जो है ना आपको श्वेत क्रांति के जनक थे। गेहूं उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो गेहूं उत्पादन किससे, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित था आपको, व्हीट प्रोडक्शन से था। व्हीट प्रोडक्शन से संबंधित था आपको गेहूं उत्पादन, और ये हरित क्रांति आपको 1966-67 के समय में आपको भारत में देखने को मिला था। 1966-67 में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हमने आपको बताया था कि भारत में आपको एम.एस. स्वामीनाथन जो है ना आपको क्या थे, हरित क्रांति के जनक थे। उसके साथ साथ अगर हरित क्रांति के ही जनक लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो हमने बताया था नॉर्मन बोरलॉग। कौन, नॉर्मन बोरलॉग, जो कि कृषि के क्षेत्र में इनके नाम पे आपको जो है ना पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इतने सारे इसको देखा, हरित क्रांति के जनक आपको एम.एस. स्वामीनाथन भारत में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है ना हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे, और आपको हरित क्रांति 1966-67 में देखने को मिला था। मछली उत्पादन जो है ना ये आपको ब्लू रिवॉल्यूशन, या आपको इसको हम लोग बोलते हैं नीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है ना आपको मछली उत्पादन, आपको नीली क्रांति किससे संबंधित थी, तो आपको पिसी कल्चर से, मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से जो है ना, मछली पालन से जो है ना आपको संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है। देखिए, अभी हमने बताया था वर्गीज कुरियन जो है ना आपको श्वेत क्रांति के कौन थे, फादर। ठीक है, वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन। अभी हम लोगों ने देखा हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। आगे की ओर बात करते हैं, तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो है ना पहला स्थान है। अगर हम लोग बात करें मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में, आपको भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, पहले नंबर पे आता है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजयुक्त जो रॉक तंत्र है वो धारवाड़ है। धारवाड़ जो तंत्र है उसमें बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ वाला जो एरिया है उसमें आपको सबसे ज्यादा जो है ना पाया जाता है खनिज, अधातु खनिज। तो चांदी क्या है, धातु खनिज है। ठीक है, सीसा क्या है, धातु खनिज है। मैग्नीज क्या है, धातु खनिज है। अधातु खनिज पूछा था हमसे, तो अधातु खनिज क्या हो जाएगा, संगमरमर। ठीक है, तो आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल्स, तो आपको इसका जो है ना उत्तर क्या हो जाएगा, संगमरमर। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत में कौन अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। तो वही जो खनिज अयस्क हैं वो आपको थारवाड़ वाला जो सेल है उसमें पाया जाता है। थारवाड़ वाली सेल में खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहा का उत्पादन करते हैं, लोहा के अयस्क से आपको संपन्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा आपको लोहे के अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है, लोहा का उत्पादन आपको लोहे के अयस्क के लिए, उड़ीसा का जो बैलाडीला खदान है वो उसी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से बैलाडीला खदान जो है ना उड़ीसा में है, जो कि लोहा के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन सा लोहा का क्षेत्र है, तो ये आपको जो है ना लोहा का क्षेत्र जो है ना सबसे ज्यादा कर्नाटक का जो कुद्रेमुख है, कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र, कर्नाटक का कुद्रेमुख वो आपको लोहा क्षेत्र है। वैसे इधर भी जो है ना आपको पाया जाता है लोहा, लेकिन अगर पूछा जाए इनमें से जब ऑप्शन रहेगा तो कर्नाटक का कुद्रेमुख लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे की ओर हमारे पास जो है ना प्रश्न है जिसको जोड़ी के रूप में हम लोग को मिलाना है, तो देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहले कौन सा देश जो है ना आपको देखिएगा किसी चीज के, चांदी के बारे में तो आपको पता होगा कि चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है, मैक्सिको, चांदी का कौन करता है, मैक्सिको, तो ए का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ए का तीन हो जाएगा, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन कटता है, ठीक है। अभ्रक के उत्पादन में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना भारत, अभ्रक का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो सबसे ज्यादा भारत करता है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, इसलिए अभ्रक किसके साथ चला जाएगा, भारत के साथ चला जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं, लोहा का अयस्क जो है वो आपको सबसे ज्यादा रूस करता है, लोहा अयस्क का उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है, रूस जो है ना लोहे के अयस्क का उत्पादन करता है, इसलिए आपको ये रहा, और तांबा जो है ना चीनी, तांबा का चीनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, आपको चिली करता है, इसलिए इस तरह से जोड़ी मिला लेंगे हम लोग। हमने देखा तांबा का, चिली, लोहा के अयस्क का हम लोगों ने क्या देखा, रूस, और अभ्रक का हम लोगों ने भारत देखा, और चांदी का क्या होगा आपको, मैक्सिको होगा। हम लोगों ने ये सारे प्रश्न को देखा, जो कुछ भी इसमें जोड़ी आप लोग मिलाइएगा, शायद आई थिंक पहला नंबर जो है ना इसका सही होना चाहिए। आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास प्रश्न है फिर से, चांदी का उत्पादन अभी मैंने बताया मैक्सिको, ठीक है, अभ्रक का भारत, अरे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, अभ्रक जो है ना आपको भारत, लोहा के अयस्क का जो है ना आपको रूसी संघ, और तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीनी, तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा चीनी करता है, तो इस तरह से हमारा पहला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है, तो आपको जो लोहा का अयस्क है उसमें ये सारे के सारे लोहे के अयस्क हैं, लिमोनाइट, सीडराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये दिस ऑल आर द ओर्स ऑफ आपको आयरन, ये सब के सब जो है ना आपको आयरन के अयस्क हैं, इसलिए, लेकिन इसमें पूछ जा रहा कि कौन सा लोहा का अयस्क जो है ना सबसे ज्यादा आपको भंडार देखने को मिलता है, तो लोहे में आपको हेमेटाइट जो अयस्क है, लोहे का अयस्क है, इसका भंडार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको ये हेमेटाइट हो, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, दिस ऑल आर द ओर्स ऑफ आयरन, ये सब आयरन के ओर हैं, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हेमेटाइट देखने को मिलता है। राजस्थान का मतलब एकाधिकार है, मतलब सिर्फ जस्ता का जो जिंक होता है, जिंक जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको, 30 होता है, ये जो जिंक होता है जिसको जस्ता के नाम से भी जानते हैं, जस्ता के उत्पादन में जो है ना लगभग एकाधिकार है राजस्थान के पास, जस्ता के उत्पादन में आपको एकाधिकार है लगभग किसके पास, तो राजस्थान के पास, जस्ता का प्रोडक्शन राजस्थान करता है। किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तांबा का जो है ना आपको राजस्थान में सबसे अधिक भंडार है, तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है, राजस्थान में एक खेतड़ी जगह है, क्या है, राजस्थान का खेतड़ी इज फेमस फॉर तांबा प्रोडक्शन, कॉपर प्रोडक्शन के लिए आपको जो है ना कौन सा जो है ना आपको राज्य फेमस है, तो राजस्थान का जो खेतड़ी है वहां पे तांबा का प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आपको राजस्थान आपको किसके लिए, तांबा का खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने बताया कि जो खेतड़ी वाला जो बेल्ट है वो तांबा के लिए जो है ना आपको, राजस्थान का जो खेतड़ी बेल्ट है वो आपको तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का और भी अयस्क होता है, ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपको एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का और भी एक कोरंडम भी अयस्क जो है ना आपको किसका होता है, एल्युमिनियम का ही होता है, तो खैर बॉक्साइट किसका अयस्क है आपको, एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट।
तो छत्तीसगढ़ में किस खनिज का जो है ना भंडार देश में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में टीन का अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में आपको किस खनिज का भंडार है? तो टीन का भंडार है छत्तीसगढ़ में टीन का भंडार है। किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो राजस्थान में अभ्रक का संसाधन सर्वाधिक है, राजस्थान में। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो भारत का जो है ना अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान है। भारत का अभ्रक के उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में भारत करता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो झारखंड में आपको सबसे ज्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में कोयला का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? झारखंड। छोटा नागपुर जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है, छोटा नागपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो किससे संबंधित है? तो आपको कोयला की खोज से संबंधित है। छोटा नागपुर का जो आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आपको कोयला से संबंधित है। किससे संबंधित है छोटा नागपुर? जो कि झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में। तलचर जो कि उड़ीसा का एक क्षेत्र है, किसका? उड़ीसा का। क्वेश्चन वही है, तलचर जो है ना कोयला प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कोयला प्रोडक्शन के लिए किस स्टेट का जो है ना ये जगह है? तो आपको तलचर उड़ीसा का एक क्षेत्र है, जहां पे आपको कोयला का प्रोडक्शन होता है। कोयला क्षेत्र है तलचर, उड़ीसा का एक कोयला क्षेत्र है, जो कि आपको तलचर क्या है, आपको उड़ीसा का है, उड़ीसा में आता है, वो आपको कोयला प्रोडक्शन के लिए फेमस है। झारखंड का जो झरिया है वहां पे क्या पाया जाता है? झारखंड का जो झरिया है, इसपे बिहार में एक शायद गाना भी है, ठीक है, तो बलम गईले झरिया पटक दिहले थरिया करके ऐसा कुछ, ठीक है, तो उससे याद कर लीजिए आप लोग। ये झारखंड का जो ना आपको कोयला है, क्या है वो? झारखंड का जो आपको झरिया क्षेत्र है, वो किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है, वो आपको किसके लिए है? कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें? तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन में। कोयला का सबसे ज्यादा उपयोग एनर्जी के प्रोडक्शन में, ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है कोयला का। हमारे पास चार ऑप्शन है, रेलवे, ठीक है, वाष्पीय जहाज। तो सबसे ज्यादा कोयला का जो उपयोग होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, ऊर्जा के उत्पादन में होता है। निम्नलिखित में से आपको जो बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है, वो सब कोयले के हेल्प से किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? गुजरात में लिग्नाइट का भंडार है, पश्चिम बंगाल में है, पुद्दुचेरी में है। कहाँ पे नहीं है? तो झारखंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। लिग्नाइट का जो है ना भंडार झारखंड में नहीं है, बाकी तीनों जगहों पे था, ठीक है। हमारे पास अगला प्रश्न जोड़ी मिलाने के लिए फिर से है आपको। इसमें देखिएगा, हम लोग जो है देखेंगे राजमहल की जो पहाड़ियां हैं झारखंड में। राजमहल कहाँ पे? राजमहल की पहाड़ियां झारखंड। सोहागपुर आपको कहाँ पे है? तो सोहागपुर जो है ना आपको मध्य प्रदेश में, कोयला प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कोयला प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज कहाँ पे है आपको? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। बरहा विश्रामपुर, विश्रामपुर पैसा तो छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। विश्रामपुर किस में आ जाएगा? छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको करा दूं, राजमहल आपको किस में आएगा? झारखंड। सोहागपुर मध्य प्रदेश, रानीगंज आपको किस में? पश्चिम बंगाल। और विश्रामपुर किस में आ जाएगा आपको? छत्तीसगढ़। विश्रामपुर किस में आ जाएगा? छत्तीसगढ़। देख लीजिएगा, राजमहल का झारखंड ए का चार, बस एक ही ऑप्शन में है, ही बी वाले ऑप्शन में, आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। बी का थर्ड सोहागपुर आपको जो है ना मध्य प्रदेश में, जो सिद्धि सिंगरौली वाला जो एरिया है, जहाँ पे मोटी मोटी कोयले के लिए फेमस है, मोटा कोयला के लिए जो है ना आपको फेमस है, वो आपको सोहागपुर का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो कि आपको मोटे परत वाले कोयले के लिए फेमस है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो आपको असम का डिगबोई जो है ना सबसे पुराना तेल भंडार है आपको भारत में। असम का डिगबोई क्षेत्र है जो कि सबसे पुराना तेल भंडार है। सबसे बड़ा पुराना जो तेल भंडार है वो असम के डिगबोई में है। आपको जो है ना तेल शोधक कारखाना बिहार में है, बिहार के बरौनी में ऑयल रिफाइनरी जो है ना आपको सेंटर है। तेल शोधक कारखाना आपको कहाँ पे है? बिहार के बरौनी में, ठीक है। लेकिन आपके पास एक प्रश्न क्या था आपको, कि आपको भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है? तो आपको असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में सबसे पुराना तेल भंडार है। और ऑयल रिफाइनरी उसको जो है ना तेल शोधक कारखाना बिहार के बरौनी में, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम
पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है आपको? गुजरात है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? अभी हमने बताया असम का डिगबोई जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना पुरानी तेल शोधन इकाई है, सबसे तेल का जो है ना पुराना कारखाना है आपको असम के डिगबोई में। हमारे पास अगला प्रश्न है, नून माटी आपको का तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो नून माटी भी जो है ना असम में है। नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? असम में। डिगबोई का तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो असम में। ठीक है, सबसे पुराना वाला कौन है? तो डिगबोई, और उसके बाद जो है ना नून माटी भी जो है ना कहाँ पे है? असम में ही है। आगे की ओर बात करते हैं तो कुछ आपके पास जो है ना ऑप्शन है, ठीक है, कुछ आपको जो है ना दो आपको जो है ना जोड़ी मिलाने के लिए दिया हुआ है कॉलम मैच करने के लिए। तो नून माटी अभी जस्ट बताया हमने कहाँ पे, असम। नून माटी कहाँ पे बताया हमने? असम। अगर मैं बात करूं तो कोयली कहाँ पे है? गुजरात में। मैंगलोर बेंगलोर कर्नाटक और पानीपत सोनीपत सबके सब कहाँ पे? हरियाणा। तो पानीपत का जो ये सब जो है ना आपको तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधशालाएं हैं, इसलिए तेल शोधशालाएं हैं, इसलिए नून माटी अभी हमने बताया, असम इंपोर्टेंट, कोयली गुजरात इंपोर्टेंट, मैंगलोर कर्नाटक, मैंगलोर तो याद ही होगा बेंगलोर से, ठीक है, मैंगलोर बेंगलोर कर्नाटक, पानीपत सोनीपत हरियाणा। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे कल और इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वैसे अभ्यर्थी जो इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी उनका लाभ उठा सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।